जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से तीन बड़ी घोषणाएं सामने आ चुकी हैं जिसको लेकर के कर दिया ऐलान। हरियाणा के बस मालिकों को बिना गारंटी के केवल 4% ब्याज पर मिलेगा 1.60 लाख रुपए का लोन। जाने लोन का तरीका। नू के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया है कि पशुधन के शायद क्रेडिट कार्ड के तहत आए गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गी के रख रखाव के लिए 3 लाख तक का ऋण मिल सकता है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। दूसरी अपडेट ये आ रही है कि मतलब पात्र होने के बावजूद उनको उतनी पेंशन राशि नहीं दी जाएगी जितने वह पहले ले चुके हैं। वही इस साल की लंबित पेंशन राशि को जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा। इस समय सालाना 2 लाख से अधिक आय वाले बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। ऐसे करीब 30,000 बुजुर्गों की पेंशन कट चुकी है जबकि 18,000 ऐसी महिलाएँ हैं जो विधवा पेंशन होने के बावजूद भी विधवा पेंशन नहीं ले पा रही है। तीसरी अपडेट ये आ रही है, हरियाणा में दोबारा विवाह करने वाली 18,000 विधवाओं को पेंशन बंद कर गई है। फिलहाल रिकवरी नींद भी चालू हो चुकी है। 23,000 सरकार ने घर द्वार जाकर 23,000 नए लोगों की पेंशन शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पत्रकार वार्ता की खास बातें, हरियाणा सरकार के एक विधायक एक पेंशन योजना के आने वाले ये यहाँ लागू करने के हक में नहीं है तो पूर्व विधायक ने भी कहा है। तो दोस्तों जुड़े रहें आप सभी लोग 80 न्यूज़ से। 80 न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहें, धन्यवाद।